ये बताओ भाई लोग क्या लिखा हुआ है, किस किस को समझ में आ रहा है? हैंगडा अभी बोला सही क्या लिखा है? यह है हमारी हनोई की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजीजू। गुड मॉर्निंग। बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म है, खतरनाक। रोड अभी खाली है और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ से अब निकलना है क्रूज के लिए। तो जल्दी से, क्योंकि हमारी 7:30 बजे लिमोजिन आ जाएगी हमको लेने के लिए, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी से और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। इसी में आने के बाद ना बहुत ज्यादा फेस लग रहा है, तो पैकिंग वगैरह मेरी पूरी हो गई है, ये रखा हुआ है मेरा सारा सामान। जाते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। और बच गए हैं, हम लोग जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट के लिए फोर्थ फ्लोर पे, और इन लोगों को जाके उठाते हैं। होपफुली नहीं उठे होंगे, देखते हैं कौन उठाए। अरे वाह, यहाँ तो सब रेडी है। रेडी है सब खा लिया। हमारे ब्रेकफास्ट में मैंगो है, तरबूज है, और उसके बाद ये हमारे नट्स। अखरोट खाओ, दिमाग बढ़ाओ। ये तो नॉन वेज है पूरा, ये एक फ्राइड राइस रखा है बस। फ्राइड राइस खाना तो फ्राइड राइस खा लो कोई भी, और आलू का पराठा तो ऑर्डर करने पे मिल ही जाएगा। तो जल्दी से प्लेट लेते हैं, खाते हैं, निकलते हैं। रेडी टू गो ऑन अ क्रूज। सामान ये रहा मेरा, इसको हम उठाते हैं और निकलते हैं। चाबी लगी, चाबी निकालो। चार्जर मैंने रखी है, सब चीजें मैंने रख ली है। से बाय बाय टू माय रूम। तो ये बताओ भाई लोग क्या लिखा हुआ है, किस किस को समझ में आ रहा है? हैंगडा अभी बोला सही क्या लिखा है? हैंगडा। अगर हम लोग बोलेंगे तो सही बोला है मेरे भैया ने, हैंगडा। तो अभी हम लोग क्रूज के लिए निकल लिए हैं, और बहुत ही लग्जरी बस हमको मिली है यहाँ, म्यूजिंग कहते हैं इसको। तो एक लंबी ड्राइव के बाद अभी हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट मिला है, और ये कॉफी पॉइंट है जहाँ पर अभी हम लोगों को रोका गया है। यहाँ पर हम लोग खा सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं, और थोड़ा सा जो भी करना हो, किसी को फ्राई करना हो, पॉटी रहना हो, या फिर कुछ खरीदना हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो सबके सब यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए फिर से देखने लगे, मगर कुछ कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि हमारे पास लोड कम है। तो अभी यहाँ पे ना शॉपिंग के लिए हमें रोक लिया गया है। सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत कॉस्टली है, तो इन्होंने अभी कुछ देखा है। कितने की? भाई $90 की शर्ट है ये, गजब डॉलर की शर्ट है भाई, गजब बहुत महंगी है। तो लो भाई हमारी बस, हम चलते हैं इसमें। सिंह पर्सन गायब है। तो अभी हमको होटल से निकले 3 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए, और अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? हालोंग बे की तरफ निकल आए, नियर बाई होना चाहिए। बे के अंदर हम लोग मिलेंगे समुंदर के अंदर क्रूज पे। फाइनली हम लोग आ गए हैं और समझ गए हैं, चेक लगेज फॉलो बॉयज। तो ये हमारा क्रूज एरिया है, और अब हम यहाँ पर चेक इन करेंगे। कहाँ से कराते हैं? साइड हमारा लाउंज है, हमारा है हीरा ग्रैंड। तो हमारे बैग्स जो है वो यहाँ पर रखवा दिए गए हैं। आप हाय ओनली वन बस Egg, some people will take but not many. Yeah. You win our heart. But roti is the important thing. Roti, sabji, curry. Curry, roti. Roti, curry, dal, lentils. तो
ये हमारा जो है लाउंज एरिया है, अभी हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद जैसे ही हमारा चेक इन चालू हो जाएगा तो हमको लेके जाया जाएगा अंदर शिप पर। आई होप हमारा जो आज का स्टे है वो इसी के अंदर है। Where to go? Yeah. Just follow me. Just follow you. Okay, sir. तो ये रहा हमारा क्रूज और तो अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। हमारा अरेंजमेंट है पर कहाँ है ये तो हमको पता ही भाई। वेयर आर द बैग्स? ऊपर जाएंगे अभी। रूम ये रहा, हमारे बैग्स ये रहे। अभी ऊपर जाना है? ऊपर जाना है क्या? आ जाओ ऊपर। So we're going upstairs more. Yeah, Mara bartender restaurant. Thank you. Hi. Knowing you, Mara जो है वो restaurant है। तो अभी हम लोग ना सारा ऊपर एकदम back deck पे आ गए हैं। Sitting area है। यहाँ सब कुछ reserve होगा, ठीक है? No problem. तो अभी आते ही साथ हमको वेलकम ड्रिंक मिला है। एसी तो काम कर नहीं रहा है पर ठीक है, यही बेटर है। चीयर्स। तो ये हमारी चाबी आ गई है जहाँ पर हमको रुकना है। थैंक यू। तो हमारा अभी चेक इन हमें मिल गया है और अब हम जाएंगे रूम के अंदर। यहाँ पे एसी तो चल नहीं रहा था, यानी चल रहा था, बहुत लेट चलाया उन्होंने। और अब इसके बाद देखते हैं रूम का एसी कितना चल रहा है। तो थैंक यू गो इन द रूम्स। हमारा रूम कौन सा है? अपना रूम किधर है? ओ मैन, यो हनी सिंगर। वो ठीक है, रूम कहाँ है? ये रहा। तो ये भाई यहाँ तो टफ भी मिल गया। हमारा रूम कहाँ है? ये वाला। तुम लोग सामान ही रखे हैं यहाँ पे? तो हमारा सामान यार नहीं, नौकी नहीं। तो भाई हमारा रूम जो है वो यहाँ है। खूबसूरत सी एक पेंटिंग है, ये मेरा बेड है, ये वॉश बेसिन है और उसके अलावा अगर हम देखें तो बाथरूम और ये डेक एरिया है जो हमको मिला है। यहां पर ये कॉमन है यार। और यहां इतनी सारी बोट्स खड़ी हुई हैं।